उस्ताद जो मौजूद हैं वो किसी तारुफ की मोहताज नहीं। अक्सर आपने उनको टिकटॉक पर देखा होगा और इनके कंटेंट बहुत ज़बरदस्त बनाती हैं और इनके चाहने वाले भी बहुत हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ महक की। महक आज 14 अगस्त किस तरह सेलिब्रेट कर रही हैं ये तो मैं इनसे ही पूछूंगा, लेकिन सबसे पहले महक माशाल्लाह बहुत प्यारी लग रही हैं और 14 अगस्त के हिसाब से आपने ड्रेस भी जेबतन किया हुआ है। आप क्या मैसेज देना चाहेंगी और आप कब से यहाँ पर हैं, कब कितनी सेलिब्रेट आप बना रही हैं 14 अगस्त? मैं यहाँ पे 10 सालों से हूँ और मैंने हमेशा हर साल इस दिन को बहुत ही जोश और खरोश से मनाया है। हम लोग यूएई में रहते हैं और लाइक यहाँ पे हम लोगों को अपने वतन की याद आती है। हम सारे यहाँ पे परदेसी हैं, सारे बहन भाई यहाँ पे मिलजुल के इस दिन को सेलिब्रेट करें और मैं तो हमेशा बहुत अच्छे तरीके से सेलिब्रेट करती हूँ और ये हम लोगों के लिए बहुत स्पेशल दिन है जिसको कि कभी भी भूला नहीं जा सकता और यहाँ पे रह के हम अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट करते हैं। तो मैं तो सबको यही कहूँगी कि इस दिन को पूरे जोश और खरोश के साथ मनाएं ताकि सारी दुनिया जाने कि हम पाकिस्तानियों का जज्बा क्या है। सो विश यू ऑल अ हैप्पी इंडिपेंडेंस डे एंड थैंक यू सो मच इस्माइल। मैं अक्सर आपने देखा आप टिकटॉकर की क्वीन कहलाती हैं, ठीक है, कुछ ना कुछ आप नया ला रही होती हैं, तो 14 अगस्त के हवाले से आपके क्या प्लान है और क्या कुछ आप नया दिखाना चाहती हैं हमारे व्यूअर्स को? कुछ वीडियोस तो मैं अपलोड कर चुकी हूँ और आई होप कि सबको बहुत पसंद आई होंगी। कुछ कंटेंट्स मैंने थोड़े रखे हुए हैं जो कि मैं 14 अगस्त पे जो है वो अपलोड करूंगी एंड आई होप गाइस यू ऑल विल लाइक दैट एंड कीप सपोर्टिंग मी एंड थैंक यू सो मच। अब यहाँ रहने वालों को क्या मैसेज देना चाहेंगी पाकिस्तान इंडिपेंडेंस डे के हवाले से, क्योंकि हमने अक्सर देखा आपको टिकटॉकों के साथ आपकी मुख्तलिफ किस्म के लोगों से मुलाकातें होती हैं मुख्तलिफ कंट्रीज से, जब वो देखते हैं पाकिस्तानी लिबास में आपको ज़ेबतन तो क्या फीलिंग्स होती हैं, ज़रा शेयर करेंगे हमारे व्यूअर्स? जी, स्पेशली हम लोगों का जो लिबास है वो तो बहुत ज़्यादा दोस्तों को पसंद आता है। आप लोग सबसे डिफरेंट लगते हैं जब भी यहाँ पे आप अपने ट्रेडिशनल जो से ड्रेस में कहीं पे भी जाते हैं तो ऑफ कोर्स यू ऑलवेज लुक डिफरेंट। और यहाँ पे जी हर तरह के कल्चर के लोग हैं और सबसे मुलाकात होती है, डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज के लोग हैं, लेकिन जो मैंने खुद से फील किया है इस चीज़ को कि हम पाकिस्तानी जो से हैं वो हमेशा इस दिन को बहुत अच्छे तरीके से मनाते हैं और आपकी हुब्बुल वतनी का जो जज्बा है वो मुझे कभी भी किसी में कम नज़र नहीं आया। तो इसी तरह रहें, यहाँ पे मिलजुल के रहें सबके साथ और अपने वतन को हमेशा इसी तरह इज्जत देते रहें। आज न्यूज़ के हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे हमारी इस वर्किंग के हवाले से? आज न्यूज़ को मैं कहना चाहूँगी कि थैंक यू वेरी मच क्योंकि आपने इतना टाइम निकाला, आपके डायरेक्टर को राजा रियाज साहब थैंक यू सो मच कि आपने मुझे ये चांस दिया कि मैं अपनी फीलिंग्स का अपने राय का ख्याल जो सबने जाहिर कर सकूँ आप लोगों के न्यूज़ पे। तो बहुत बहुत शुक्रिया मेरी तरफ से, आप सबको हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। ओके, पाकिस्तान जिंदाबाद।